हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आई हूँ अपने मायके, तो आज की मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ अपने मायके से। और अभी सुबह सुबह मम्मी और शानू जा रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी इन दोनों का वहाँ का कार्यक्रम है ना। फिर हम जाएंगे नीमा के साथ, मेरी सिस्टर के साथ गाड़ी में बैठने के लिए, क्योंकि अभी भी इसने गाड़ी सीखी है, तो हम इसके साथ भी जाएंगे गाड़ी में बैठने के लिए। देखते हैं कि आज इसका क्या क्या रूटीन रहता है, कैसे कैसे इसने चलाई गाड़ी, वो भी देखेंगे। भगवान करे अच्छे से चला दे। ये नानी रहेगी यहाँ, ये बाबू रहेगी, और कोई नहीं रहेगा यहाँ। और मैं कहाँ जाऊँ? टीका का गया। टीका मम्मी, टीका। अभी तो बाबू ने बोला मुझे जाओ, नहीं टीका। नानी को पता होगा टीका कहाँ गया। अब जा रहे हैं हम नविका के साथ गाड़ी में। मैं, पापा और सानवी थोड़ा रिस्क लेके जा रहे हैं, पर कोई बात नहीं, उसने 5 दिन में सीखी है गाड़ी, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे चलाती है। घूमे डाले थोड़ा, बड़ी मुश्किल से हम बच के आए हमारे साथ हैवी ड्राइवर नविका और पापा भी बहुत ज्यादा हैवी ड्राइवर, दो ड्राइवर हमारे पास बहुत हैवी है। अब 5 दिन में इस शख्स ने सीखी है गाड़ी, और हमें घुमाते हुए कलेजे पे था हमारा दिल। तो गाइस, आपने देखा कि अभी हम गाड़ी चला के आ गए, शानू ने पूजा पाठ भी कर दी मम्मी के साथ मिलके, और अभी हमारा नाश्ता भी हो चुका है। बस नविका, अपने हेयर की टिप्स बताओ जरा। हेयर मास्क बना रही मैं, केला प्लस दही प्लस विटामिन ई की कैप्सूल्स एंड किस कोई चीज़ भी ऑयल ला सकते हो उसमें, कोकोनट ऑयल कितना कापर टांगू किस चीज़ के लिए? लो अब तुम गोरे जो हो, बाल में तेल वेल नहीं लगाते हैं उस चीज के लिए, नरिश करने के लिए, जिनके बाल बहुत ड्राई होते हैं उस चीज के लिए। तो गाइस, जो भी अगर अपने बालों को थोड़ा नरिश करना चाहता है, शाइनी करना चाहता है नविका की तरह, जो भी इसने खूब तेल लगा करते प्लीज इस रेमेडी को ट्राई करें। अगर तुम्हारे बाल झड़ रहेंगे तो इसे कुछ भी कह सकते हो तुम, रुक जाएंगे कुछ हद तक, पूरा नहीं बोलूंगी कुछ हद तक। अगर आपके बाल झड़ना शुरू हो गए तो आप के बालों में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी और झड़ने कम हो जाएंगे, समथिंग कुछ ऐसे। तो अभी अभी हमने पहनी थी मम्मी की साड़ियाँ, जिसमें नविका ने किया था बहुत ज़्यादा कांड, इसने सिंदूर लगा दी। मम्मी की दो साड़ियाँ, जो नीमा ने एक साड़ी का किया कबाड़, मैंने तो कम से कम उस ढंग से पहना इसे, दिखा ये बनाना चाह रही से लहंगा जो हो गया इसे बहुत महंगा। मैं कैसे भदड़ी सी लग, मैं कसाऊ नहीं ये देख, ये साड़ी, अगर किसी को साड़ी पहननी है तो प्लीज नीमा से कांटेक्ट करें। कुकू, हमारे साथ एक कॉमेडी हो गई थी, सानवी मम्मी का सिंदूर लेके अपने मांग में भर रही थी, उसे पता नहीं कहाँ कहाँ से कुछ भी सामान मिल जाता है, तो वो बस लीपा पोती करने शुरू हो जाती है। सो गाइज, बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग के एंड तक, पूरे दिन भर में जो 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 चीज़ें थोड़ी थोड़ी होती रहेंगी,
कॉमेडी वाली, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। एक से गाल से मम्मी की ट्यूब मिली और इसमें से पटका दी, जल्दी उठा लेगी मम्मी आड़ पाली, तू उठा उन दोनों माचली मार खाते हो। और अब आ चुके हैं हम नविका के पार्लर में। सानवी के जो बाल है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं हाँ, और ये कटवाने हैं अभी से हम। अब ये बना है गुट्टू, इसे अभी हम लड़का बनाने वाले हैं, महिला जबरदस्त है। हाँ ये देखिए इसके बाल, अभी ये नाई काटेगा, नविका काटेगी इसके बाल। Yes. कट कट कर कर चलिए मिलते हैं अभी। अनवी बनी जेंटल गर्ल, उसे मिली बहुत सारे लिपस्टिक और नेल पेंट, सभी इसने कटवाए हैं बाल अपने। ये देखो इसे, अब उसे चाहिए हेयर बैंड। अच्छा मेरे बाल कट लेंगे, चलो दो हो गया। चलो गाइस अभी हमारा लंच हो चुका है और बाहर बिल्कुल तावड़ वाली बारिश होनी शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ दो तीन दिन से अलर्ट दिखाया जाता था बारिश को, लेकिन उस दिन से हुई नहीं, अब जाके हुई है बारिश। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का पीछे का, है ना। चलो ये हम निकलने रहे घर के लिए और बारिश ताबड़तोड़। अब पापा जाएंगे हमें कार से छोड़ने के लिए घर।